नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नाम है श्रद्धा जोशी। फ्रेंड्स, हम लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं। आईपीसी के नेक्स्ट वीडियो है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो आपको सिक्वेंस में नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, आप बेल आइकन पर क्लिक करना। जब भी कोई वीडियो बनाऊँगी मैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देख सकते हैं। इसके पहले मैंने आईपीसी की ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सारे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुष्प्रेरण की। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी विधि में अपराधियों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला मुख्य अपराधी, दूसरा सहयोगी अपराधी। पहला है वह व्यक्ति जो अपराध करता है, मुख्य अपराधी होता है, और दूसरा वे व्यक्ति जो अपराध करने में सहायता देते हैं या दुष्प्रेरक होते हैं, उन्हें सहयोगी अपराधी माना जाता है। भारतीय विधि में अंग्रेजी विधि की तरह ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। भारतीय विधि में मुख्य तथा सहयोगी अपराधी को एक समान रूप से दंडनीय बनाया गया है। इनके अतिरिक्त इनके दायित्व को संयुक्त दायित्व माना जा सकता है। भारतीय विधि में दुष्प्रेरण को विशिष्ट रूप से अपराध बनाया गया है और इसे अध्याय 5 में समाहित किया गया है। अध्याय की धारा 107 वे 108 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है, जबकि शेष धाराओं में दुष्प्रेरक के दायित्व से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आगे है, धारा 107 और धारा 108 को मिलाकर दुष्प्रेरण की परिभाषा निम्नलिखित आवश्यक तत्व माने जा सकते हैं। दुष्प्रेरण की परिभाषा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व माने जा सकते हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व है? पहला, दुष्प्रेरण अपराध का ही हो सकता है, धारा 108। दूसरा, दुष्प्रेरण तीन प्रकार से किया जा सकता है, उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र में सम्मिलित होकर या शास्त्र सहायता करके, धारा 107। नेक्स्ट है, दुष्प्रेरण के अपराध में दुष्प्रेरक अपराध करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल करता है और यह इस्तेमाल धारा 107 में वर्णित तीन तरीकों से किया जा सकता है। चौथा, दुष्प्रेरित व्यक्ति विधि के अनुसार अपराध करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता, धारा 108। नेक्स्ट है, दुष्प्रेरक का अपराध तब भी घटित हो जाता है जबकि दुष्प्रेरित कोई कार्य नहीं करता, स्पष्टीकरण दूसरा, सेक्शन 108। दृष्टांत क्या? नेक्स्ट है 6, किसी कार्य का अवैध लोप करना भी दुष्प्रेरण हो सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस लोप को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो, स्पष्टीकरण 1, धारा 108। अगला है, दुष्प्रेरक का अपराध घटित होने के लिए दुष्प्रेरित व्यक्ति की मनोस्थिति विसंगत होती है, स्पष्टीकरण 3, धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरण तब भी माना जाएगा जबकि दुष्प्रेरित व्यक्ति ए विधि के अनुसार समर्थ ना हो, उदाहरण कै बी कै का वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो कि दुष्प्रेरक का है, और सी कै का कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो, उदाहरण घ। नेक्स्ट है, दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य से वही प्रभाव कारित हो जो कि दुष्प्रेरित कारित करवाना चाहता है, धारा 108, स्पष्टीकरण 2 तथा धारा 113। परंतु भिन्न प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक तभी दायित्वधीन होगा जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से ऐसा प्रभाव कारित हो सकता है, धारा 113। आगे है, दुष्प्रेरण तब भी हो जाता है जबकि दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न कार्य किया जाता है, परंतु किया गया कार्य भिन्न कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम होना चाहिए, धारा 111, उदाहरण कै वे खै। आगे है, दुष्प्रेरण का अपराध तब भी घटित हो जाता है जबकि दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है, धारा 112, उदाहरण सहित। ठीक है, आगे है, यदि किसी अपराध का दुष्प्रेरण भारत से बाहर के अपराध के संबंध में किया जाए तब भी वह दुष्प्रेरण की परिभाषा में आएगा और संहिता के अधीन दंडित किया जा सकेगा, परंतु दुष्प्रेरण को भारत में किया गया होना चाहिए, धारा 108 के उदाहरण। नेक्स्ट है, कोई भी कृत्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप तब किया हुआ कहा जाता है जबकि वह उकसाहट के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है, धारा 107, स्पष्टीकरण, धारा 109, उदाहरण खै, धारा 109, गै, धारा 100। ठीक है, धारा 109 का खै और गै।
आगे है, दुष्प्रेरण को तकनीकी रूप से संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, अतः हमें दुष्प्रेरण करने के तरीके धारा 107, दुष्प्रेरक धारा 108 और दुष्प्रेरण से संबंधित दायित्व के अन्य सिद्धांतों से दुष्प्रेरण की परिभाषा को पूर्ण करना पड़ता है। आगे है दुष्प्रेरण करने के तरीके कौन कौन से हैं। पहला, उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण। उकसाने का सामान्य अर्थ है कि किसी व्यक्ति को कोई दोषपूर्ण कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करना, अर्थात वह व्यक्ति दोषपूर्ण कार्य न करता यदि उसे उकसाकर दुष्प्रेरित ना किया गया होता। हमीमुद्दीन 1922 24 BLR 327 नामक मामले के अनुसार उकसाने का सामान्य अर्थ है सक्रिय सुझाव देना या प्रत्यक्ष या विवक्षित भाषा द्वारा उत्प्रेरित करना, चाहे वह स्पष्ट प्रार्थना के रूप में हो या संकेत के रूप में। आगे है फुसलाना, उत्तेजित करना, उत्साहित करना, प्रार्थना करना इत्यादि भी उकसाने के उदाहरण हैं। आगे है उकसाने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु दुष्प्रेरक द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में युक्तियुक्त निश्चितता होनी चाहिए। आगे सलाह देना या मौन रहना उकसाना नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोत्साहन या सक्रियता का तत्व नहीं होता है। जैसे कि एक्स वाई से कहता है कि मुझे जेड को मारना है, वाई कहता है कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। चूंकि यह सलाह सक्रिय नहीं है, इसलिए उकसाना नहीं माना जाएगा। इसी परिस्थिति में यदि वाई मौन रह जाता है या मारपीट के स्थल से चला जाता है तो भी यह उकसाना नहीं माना जाएगा। जैसे यदि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति किसी अवैध सभा के उद्देश्य को जानते हैं और सभा के समय वहां से अनुपस्थित हो जाते हैं और उनका अनुपस्थित हो जाना उकसाना नहीं माना जाएगा। आगे केस है यतीम अली मजूमदार बनाम एम्परर 4CW500। उकसाने का कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जा सकता है, जैसे कि अपराध कारित किए जाते समय मौन सहमति देना, अप्रत्यक्ष रूप से या अपने नौकर से पीटने के लिए कहना। प्रत्यक्ष उकसाने के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे है किसी कार्य को करने का प्रयत्न भी उकसाना माना जाएगा, जैसे कि एक्स द्वारा वाई को रिश्वत देने का प्रयत्न करना। आगे है उकसाना पत्र के द्वारा भी किया जा सकता है और दुष्प्रेरण का अपराध तब घटित हो जाता है। जबकि दुष्प्रेरण व्यक्ति को पत्र में लिखी हुई बातों का पता चलता है। शिव दयालमल 1894 16389। ऐसी सहमति जिसमें उकसाने के प्रभाव होते हैं को दुष्प्रेरण माना जाता है। जैसे क्वीन बनाम मोहित 1871 3NWO 316 नामक मामले में कुछ लोग एक स्त्री की चिता के पास जाकर राम राम कहने लगे, इसे उकसाना माना गया। तकनीकी रूप से धारा 107 के स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत उकसाना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जानबूझकर किसी तत्व के दुर्व्यपदेशन के द्वारा, या फिर बी, जानबूझकर किसी तात्विक तत्व को छिपाकर, जबकि उस तथ्य को प्रकट करने के लिए वह व्यक्ति आबद्ध है। ठीक है, ये दोनों कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किए जाने चाहिए। पहला, स्वेच्छा किसी व्यक्ति को कारित किए जाने के लिए या कारित करने का प्रयत्न करने के लिए, या फिर बी, स्वेच्छा किसी बात का उपाप्त किए जाने के लिए या फिर उपाप्त किए जाने का प्रयत्न के लिए। स्पष्टीकरण 1 का उदाहरण। आगे, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। यह धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण किए जाने का एक प्रकार है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त है, किसी अपराध को रोकने के लिए एक षड्यंत्र हुआ होना चाहिए। दूसरा, दुष्प्रेरक उस षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ सम्मिलित हुआ होना चाहिए। तीसरा, उस षड्यंत्र के अनुसरण में और अपराध को करने के लिए कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो गया होना चाहिए। धारा 107। नेक्स्ट है फोर्थ, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त होगा कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो गया है जिसके अनुसरण में दुष्प्रेरित अपराध किया गया है। स्पष्टीकरण 5, धारा 108 उदाहरण। नेक्स्ट है,
षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए अपराध करने की सहमति आवश्यक आवश्यक है, धारा 120 ए, तथा इसके अंतर्गत षड्यंत्र के अनुसरण में दुष्प्रेरण का उस षड्यंत्र में अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलन आवश्यक है, चाहे यह सम्मेलन कितने भी छोटे कार्य के लिए क्यों ना हो, धारा 107। जैसे जैसे पहला, झूठे दस्तावेज तैयार करने के लिए षड्यंत्र में, झूठे दस्तावेज तैयार करने के षड्यंत्र में दस्तावेज लिखना, कागज लाना, सूचना एकत्रित करना और टिकट लगाना इत्यादि। जैसे एक गर्भवती स्त्री गर्भपात कराने के लिए दवा खाने के लिए सहमत हो जाती है, अगर इस षड्यंत्र के अनुसरण में दवा लाकर दी जाए और वह उसे खा ले तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण होगा, और यदि सिर्फ सहमति ही हो तो षड्यंत्र होगा। ठीक है, आगे सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, ये कैसे होगा? तो यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को किए जाने में शासक सहायता करता है तो वह सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण करता है, परंतु यदि यह सहायता शासे ना की जाए तो सहायता के लिए दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। जैसे कि ए अपने मकान को बिना यह जाने हुए कि इसका प्रयोग यातना देने के लिए बी करेगा, बी को प्रदान करता है, बी का मकान देना सहायता द्वारा दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। धारा 107 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार सहायता द्वारा दुष्प्रेरण निम्नलिखित शर्तें भी आवश्यक होंगी इसके लिए। पहली शर्त है, यह सहायता अपराध किए जाने के पूर्व या अपराध किए जाने के समय की गई होनी चाहिए। दूसरा, सहायता द्वारा अपराध के किए जाने को सुकर आसान बनाया गया होना चाहिए। जैसे कि एक्स अपने मकान मालिक के घर के दरवाजे को रात में इसलिए खोलता है ताकि वाई चोरी कर सके, तो चाहे वाई चोरी करने आए या ना आए, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण माना जाएगा। आगे है, यदि इसी परिस्थिति में एक्स वाई के साथ पूर्व में चोरी करवाने के लिए सहमत हो जाए षड्यंत्र, तब यह षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण माना जाएगा। आगे महत्वपूर्ण है, किस षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में पहले सहमति रहती है जबकि सहायता द्वारा दुष्प्रेरण में पहले सहमति नहीं रहती। इसके अतिरिक्त सहायता द्वारा दुष्प्रेरण में दुष्प्रेरित कार्य को सुकर बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि आसान बनाने के लिए किया जाता है, जबकि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में षड्यंत्र के अनुसरण में कोई भी कार्य किया जा सकता है, चाहे वह सुकर बनाए या ना बनाए। आगे, इसी परिस्थिति में यदि एक्स जानबूझकर दुर्व्यपदेशन करता है या किसी तात्विक तथ्य को जानबूझकर छुपाता है तो यह उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण माना जाएगा। आगे, सहायता करने वाले व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि वह सहायता कर रहा है, यदि उसे यह मालूम नहीं हो तो यह दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। यह बात धारा में शास्त्र से लिखकर पुष्ट की गई है, रामनाथ 1924 47 इलावा 268 के सही। किसी व्यक्ति की उपस्थिति ही किसी व्यक्ति को दायित्वधीन नहीं बनाती जब तक कि उस व्यक्ति के पास दुष्प्रेरित अपराध के संबंध में कोई अधिकार ना हो या उसकी उपस्थिति का यह प्रभाव ना हो कि वह सहायता या प्रोत्साहन का प्रभाव रखे। लक्ष्मी 1846 CRLJ 51 के से। जैसे एक्स द्वारा बाई के लिए अपने मकान मालिक के घर का रात में दरवाजा खोलने पर पड़ोसी द्वारा देखा जाना या उसकी उपस्थिति या देखना किसी सुविधा का प्रदान करना सहायता नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह सहायता उस कार्य के लिए आवश्यक ना हो। आगे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कैसे है, एम्परर बनाम उनी 1892 बम्बई 156 नामक मामले में विवाह के लिए मकान उपलब्ध कराना मकान मालिक के संबंध में तथा विवाह के समय उपस्थित लोगों को दुष्प्रेरण के लिए दायित्वधीन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जा सकता, परंतु पुजारी को दुष्प्रेरक के रूप में दायित्वधीन माना जाएगा बाल विवाह के संबंध में। आगे षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र को फ्रेंड्स आप बेरेक के साथ पढ़ना मेरे नोट्स को, समझ में आएगा आपको। आपराधिक षड्यंत्र को 1913 में संहिता का भाग बनाया गया है, अध्याय 5 की धारा, अध्याय 5 की धाराओं 120 ए में इसे परिभाषित और दंडित किया गया है।
इसके अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। आपराधिक षड्यंत्र के लिए कौन कौन से आवश्यक है शर्तें, तो यह है पहला, आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। तपन दास AIR 1956 SC 33 तथा CBI बनाम BC भोसला AIR भोबला AIR 1998 SC 1406 नामक मामले में तय किया गया कि आपराधिक ये आपराधिक है षड्यंत्र के लिए केवल व्यक्ति को दायित्वाधीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति खुद से आपराधिक षड्यंत्र नहीं कर सकता है। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में सहमति होना आवश्यक है, यदि सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, ठीक है, यही सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। नेक्स्ट है, यह सहमति निम्नलिखित के लिए होनी चाहिए, पहली किसी अवैध कार्य को करने या करवाने की सहमति, नेक्स्ट है किसी कार्य को जो कि अवैध नहीं है को अवैध साधनों से करने या करवाने की सहमति। महत्वपूर्ण है कि संहिता की धारा 43 के अनुसार निम्न को वैध अवैध माना जाएगा, पहला जो कि अपराध है, दूसरा जो कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, और सी जो कि सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। अवैध की परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसे कृत्य जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करता है या जो कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है के संबंध में आपराधिक षड्यंत्र किया जा सकता है। यह निष्कर्ष धारा 120 के मुख्य दंड और परंतुक से भी स्पष्ट होती है। परंतुक के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र दो प्रकार से हो सकता है, ए किसी अपराध को करने की सहमति, बी किसी ऐसे कार्य को करने की सहमति जो कि अपराध नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण है कि यह सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक गठित नहीं करेगी जब तक कि सहमति के अलावा सहमति के अनुसरण में सहमति के एक या अधिक पक्षकारों के द्वारा कोई कार्य नहीं कर दिया जाता। परिभाषा के मुख्य खंड के अनुसार अवैध कार्य करने की सहमति या अवैध साधनों से ऐसे कार्य को करने की सहमति जो कि अवैध नहीं है आपराधिक षड्यंत्र नहीं मानी जाती है, और अवैध का एक भाग अपराध से और दूसरा भाग ऐसे कृत्यों से संबंधित है जो कि अपराध नहीं है से भी पुष्ट होता है। आपराधिक षड्यंत्र अपराध 120 BA और 120 3B, अन्य कार्य 120 B2। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आपको मिल जाएगी। वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। थैंक यू।